अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाजियाज फैमिली पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आज है जी 22 सितंबर, मंगल का दिन है और सुबह के 8:30 बजे हैं और ये मेरे साथ मेरे कुलीग हम लोग निकल रहे हैं कराची से बहावलपुर के लिए। ऑफिशियल टूर है और इंशाल्लाह अंदाज़ा है कि तकरीबन 12 घंटे में हम पहुंचेंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से लेके जाए। और मेरे साथ मेरे कुलीग्स हैं और मैं तारुफ भी करवा देता हूँ साथ साथ। ये सबसे पहले हैं जैनुल आबिदीन, ये हमारे चेज़ वैल्यू सेंटर में स्टोर मैनेजर हैं और बहावलपुर स्टोर भी यही देखेंगे इंशाल्लाह। और मेरे साथ पीछे हैं रवाज। अस्सलाम वालेकुम, रवाज कैसे हैं? रवाज हमारे कॉस्मेटिक्स के परचेजर हैं और हेल्थ एंड ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स के। और साथ में हैं जैन आलम। अस्सलाम वालेकुम, जैन आलम हमारे वेयर हाउस मैनेजर हैं, सप्लाई चेन मैनेजर, और ये भी हमारे साथ जा रहे हैं बहावलपुर इंशाल्लाह। तो चलते हैं, रास्ते में इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी आप लोगों के साथ। हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ तो इरादा ये है कि इंशाल्लाह हम सदाबहार के ऊपर नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद आगे का सफ़र होगा। तो आप भी हमारे साथ रहें इंशाल्लाह, देखते हैं कि कैसा सफ़र गुजरता है। मोटरवे टोल प्लाजा हैदराबाद की तरफ जाने के लिए हम लोग पहुँच गए और कराची से बाहर हो रहे हैं हम लोग, एग्जिट हो रहे हैं। सदाबहार रेस्टोरेंट पे हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता। टाइम क्या हो रहा है? 9:25 यानी कि एक घंटा हो गया हमें कराची से अपने आयशा मंजिल से चले हुए। पूरे एक घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं और अब हम नाश्ता करेंगे और फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। सदाबहार रेस्टोरेंट में आके हम लोग बैठ गए हैं और अभी नाश्ते की तैयारी है और ये रहा सदाबहार रेस्टोरेंट। आ भी चुका और हमने ख़त्म भी कर लिया और हसब मामूल वीडियो बनानी भूल गए। तो हम लोगों ने मंगवाए थे चने और ऑमलेट और साथ में पराठे और अब नाश्ते का तकरीबन इख्तिताम हुआ चाहता है। बस चाय का ऑर्डर दिया है, चाय आती है तो वो हम पियेंगे और फिर इंशाल्लाह यहाँ से जी चाय आ चुकी है हमारी दूध पत्ती ज़बरदस्त। और एज़ यूजल मैं फिर वीडियो बनानी भूल गया था
और रवास ने याद करवाई है कि आप फिर वीडियो भूल गए तो मैंने कहा रख दो कब फटाफट सब ने वापस रखे और फिर हमने वीडियो बनाई है इसकी। तो ये रही चाय, अब हम चाय इन्जॉय करेंगे और फिर निकलेंगे, एक दो शॉट्स लेंगे यहाँ पे ड्रोन के, सदाबहार को ऊपर से दिखाएंगे, ज़रा एरियल व्यू दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं आगे के लिए। अब इसकी लर्निंग, आप लोग सब स्मार्टफोन यूज़ करते हो ना, करते हो यूज़, तो एक यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, सही है सही है, तो बोलो हम शाजियाज फैमिली के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बोलो बोलो, शाजियाज फैमिली के चैनल को एक साथ बोलना, दोबारा बोलो, शाजियाज फैमिली के ग्रुप को सब्सक्राइब करेंगे, पाकिस्तान चेज वैली हो जाएंगे, बोलो चेज वैलियो सेंटर जिंदाबाद पाकिस्तान। दस बजकर 20 मिनट हो रहे हैं, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया हुआ है और अब हम रवाना हो रहे हैं आगे भागलपुर के लिए इंशाल्लाह, यहाँ से सदाबहार रेस्टोरेंट से, तो देखते हैं आगे सफ़र कैसा गुजरता है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और ये हमारे राइट साइड पे पावर सीमेंट फैक्ट्री है और ये खूबसूरत व्यू मोटरवे हैदराबाद M9। 11:10 हो रहे हैं और हम लोग हैदराबाद पे M9 के टॉल से गुजरने वाले हैं, यानी कि हम हैदराबाद की हदूद में दाखिल होने वाले हैं। ये मोटरवे को हम लोग यहाँ से खैरबाद कहेंगे और यहाँ से आगे शुरू होगा नेशनल हाईवे N5। ₹270 यहाँ पे किए हैं टॉल, आगे एक और टॉल आएगा थोड़ा सा आगे जामशोरों का, उसमें ₹30 देने होंगे, ₹30। 11:16 और ये जामशोरों का टॉल जो कि मोटरवे M9 के टॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे है और यहाँ पे ₹30 पे करेंगे। तो ये कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ट्रॉलर जो है वो साइड के ऊपर चढ़ गया पूरा, कल भेज दीजिएगा। तो ये रात में मुझे लग रहा है कि कोई सो रहा होगा गाड़ी चलाते हुए। हाँ भाई जैन भाई, क्या
सो रहे थे। गर्मी बहुत है, हाँ गर्मी तो बहुत है, वाकई बाहर बहुत शदीद गर्मी है। जैन सिर्फ पानी लेने के लिए उतरा था और फिर वापस आके तौबा तौबा करके सो गया। और अभी तक सो ही रहा है, अभी तक सो रहा है। अभी बावलपुर में उठाएंगे इसको जाए। चल बस आधे घंटे का रास्ता रह गया जैन के लिए। और जैन कराची से पहली बार बाहर निकला है ना, हाँ हैदराबाद तक गए लेकिन हैदराबाद से आगे कभी नहीं गए, तो आज ये पहला चांस है। लिहाजा आज का जो लंच है वो जैन की तरफ से इसी खुशी में इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ओके जी। सकरण पे पहुंचे हैं, 1:16 हुए हैं और थोड़ा सा वॉशरूम गए थे फ्रेश होके, उसके बाद ज़रा जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर इसके बाद आगे निकलते हैं। तो लंच का भी फ़िलहाल कोई मूड नहीं है, थोड़ा आगे जाके लंच करते हैं जब भूख लगती है तो। ये रही मस्जिद। नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक जाम था और बहुत सारे ट्रॉलर और ट्रक और टैंकर्स वगैरह लाइन में लगे हुए थे, तो वहाँ पे कुछ लोकल्स ने हमें इस तरफ टर्न कर दिया और इस रोड पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी और भी लोग आए हुए, उम्मीद है कि हम वापस थोड़ी देर में हाईवे के ऊपर चले जाएँगे इंशाल्लाह, उस सारी कंजेशन को अवॉइड करते हुए। हाँ वो देखो ना, रोड के ऊपर जाम हुआ है अभी तक, यहाँ तक लाइन है। इलेक्ट्रिक है सारी, ये कितनी नीचे है, ट्रांसफॉर्मर है, हाँ ना, PMT के साथ लगा हुआ है। ये देखें, लो जी ये रोड जो जिस पे हमें भेजा गया था ये भी आगे से ब्लॉक है, लिहाजा अब हमें इस तरफ को डाइवर्ट किया जा रहा है कि इस गली में से आगे जो है वो हम हाईवे पे शायद इंशाल्लाह निकल जाएंगे। हाँ वो हाईवे वाला जो है वो कह रहा है कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, वो भी इधर को ही आ रहा है, वेट कर रहे हैं। हाँ जगह है बड़ी, हाँ ना यार देखो उसकी स्पीड, देखो कैसे चला रहा है, देखो जरा ये, देखो जरा कोई बच्चा आ सकता है, रेजिडेंशियल एरिया से कोई बाइक साइकिल वगैरह कुछ भी एकदम से आ जाए। ये देखो ना अब ये, वाह क्या रास्ता है, रात को भी जा सकते हैं यहाँ से, सखर इस साइड पे बस। ये ड्रोन का एक चक्कर यहाँ लगवाया जाए ना ऊपर खेतों पे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा प्यारा देता है वो, है ना। चलो बोर्ड लगे हुए, अब तो फिक्र नहीं है, अल्लाह करे आगे बस वो मेन जहां मेन ही होगी, क्योंकि डायरेक्शन हमारी मेन ही की तरफ हो गई है, ताजमहल में आ गए। सक्कर से डायरेक्ट इंडिया, अब चल मस्जिद है कोई अच्छी बनी हुई है माशाल्लाह। आगे भी ट्रैफिक है, साइड ओपन है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये देखें जी ट्रैफिक यहाँ पर भी जैम है, बट जाने वाली जैम है और हमारी वाली साइड अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है। सो हियर वी गो, द रोड इज क्लियर, ये वही साइड है। थैंक यू। चले जी हम लोगों ने अवॉइड कर लिया, हमने बच गए ट्रैफिक जाम से और अब हम सीधे जा रहे हैं सक्कर की ओर। और सक्कर जैसे जैसे करीब आ रहा है आप देख रहे हैं कि खजूरों के दरख्त बढ़ते जा रहे हैं
और ये साइडों के ऊपर खजूरों के बागात। 4 o'clock रानीपुर पे हम पहुंच गए, यहाँ पर भी 30 रुपये वे करेंगे, 30 रुपीज़ खुश है ना, 20 होंगे 30, 30 रुपीज़ रानीपुर टॉल। सवा 4 बज रहे हैं और गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है और अब हम लंच करेंगे। सुबह नाश्ता काफ़ी हैवी भी कर लिया था और काफ़ी देर भी हो गई थी, तो इसलिए हम लोग रुके नहीं कहीं पे भी अभी, इससे पहले कि हम सखर से मोटरवे पे चले जाएं और फिर कुछ खाने को ना मिले, तो हमने सोचा कि यहाँ से लंच कर लेते हैं और उसके बाद फिर मोटरवे से इंशाल्लाह रात का खाना हम बहावलपुर में खाएँगे। वो कहाँ गए मेरे साथी? हाँ ये अंदर अच्छी जगह है, अच्छा बना है। खाना हमारा आ चुका है, ये बीफ गोश्त है, ये है लोबिया और ये है मूंग की दाल और साथ में रोटियाँ, सैलेड और रायता। सखर शहर के बहुत करीब आ गए हुए हम लोग और दोनों तरफ खजूरों के बागात हैं और टाइम हो रहा है 5:24, 5:24 PM। रोहड़ी की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं और अब मोटरवे का जो इंटरचेंज है वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। रोहड़ी इंटरचेंज के पास हम लोग पहुँच गए हैं, कॉर्नर पे ये PSO का पेट्रोल पंप है। पेट्रोल भरवाएंगे यहाँ से कि नहीं? चलें, फुल टैंक फुल है तो ज़रूरत नहीं है पेट्रोल की, और बस अभी चलते हैं। वो सामने अगर नज़र आ रहा है तो वहाँ पे मोटरवे है सामने और हमें उसी तरफ जाना है। यहाँ से हम लोग राइट टर्न करेंगे, ये लिखा हुआ है मुल्तान, तो मुल्तान और बहावलपुर एक ही साइड पे हैं और यहाँ से हम लोग मोटरवे पे। इस वक्त हो रहा है, देखें ज़रा सूरज ग्रूब हो रहा है और ये टॉल कितना अच्छा लग रहा है। रोहड़ी टोल प्लाजा है, ये मोटरवे M5, ये जा रहा है लाहौर की तरफ और हम लोग रास्ते में बाबुलपुर के लिए रास्ते में उतर जाएंगे। मोटरवे के ऊपर आ गए हम लोग और खूबसूरत मंजर, सूरज ग्रूब हो रहा है। दिस इज मोटरवे M5 रोहड़ी सखर से लाहौर की तरफ। शाम के 5:50 पे हम लोग रोहड़ी मोटरवे से मोटरवे के ऊपर एंटर हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं बहावलपुर की तरफ। शरीफ के इंटरचेंज से अब हम लोग मोटरवे को छोड़ देंगे, अलीपुर उच्च शरीफ अहमदपुर शकिया, और ये हम लोग निकल गए यहाँ से और
अब हम बाकी का रास्ता जो है बहावलपुर के लिए वो नेशनल हाईवे के थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। उच्च शरीफ टोल प्लाजा मोटरवे M5 और यहाँ पे हम टोल पे करेंगे। हाँ जी राइट। तो बहावलपुर जाने के लिए हम लोग बहावलपुर इंटरचेंज से नहीं उतरे बल्कि उच्च शरीफ इंटरचेंज से तकरीबन 2 घंटे लगते हैं बहावलपुर इंटरचेंज से अगर हम उतरते तो बहावलपुर शहर पहुंचने में, और यहाँ से सुना है कि तकरीबन 1 घंटा लगेगा। हाँ जी राइट साइड। 8:30 हैं और हम लोगों ने मोटरवे को अभी अभी खैरबाद कहा है और अब हम नेशनल हाईवे के ज़रिए बहावलपुर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। शीशा काफ़ी ख़राब हो गया है क्योंकि बहुत सारे मच्छर और इंसेक्ट जो हैं वो हाईवे के ऊपर जैसे एज़ यूजुअल विंडशील्ड के साथ टकरा के मरे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं इसको क्लीन करने की लेकिन ये अभी नहीं हो पा रहा है, सही तरह से नहीं हो रहा, काफ़ी बेहतर हो गया है। 9:45 PM और हम लोग बहावलपुर सिटी के अंदर एंटर हो गए हैं और अब हमें यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर और जाना है और होटल जहाँ पर हमें स्टे करना है नाइट वहाँ पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। तो वहाँ पहुँच कर दिखाते हैं आपको। फिफ्थ एवेन्यू होटल कोई है नहीं रिसेप्शन पे, या फरहान भाई से पूछ ले कहाँ जाना है। टू ज़ीरो वन और हमारा 207, वहाँ भी आ जाना बेटा। इसे कार्ड है ना? कार्ड है, हाँ कार्ड है। 207 लगा देंगे प्लीज। थैंक यू। तो ये है हमारा रूम और इसकी हालत इतनी बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि ये मैंने जब हम रात में रूम में पहुंचे थे तो हम लोग बहुत थके हुए थे और फिर डिनर करके आए और फौरन सो गए, तो ये वीडियो मैंने अगले दिन सुबह में बनाई। और ये रहा वॉशरूम। फरहान भाई भी अवेलेबल हैं यहाँ पे और ये रहा हमारा होटल फिफ्थ एवेन्यू होटल और इसके नीचे सब फायर। अलमायदा पिज्ज़ा पे हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए, चलते हैं अंदर। ग्यारह बजकर 15 मिनट हो रहे हैं सुबह के और नाश्ता वाश्ता करके हम लोग तैयार हैं। ये जैन भाई भी देखे मूँछों को ताव दे रहे हैं और जैन दूसरे वाले जैन और फरहान भाई और रवास ऊपर से आ रहा है और मैं भी तैयार हूँ, गाड़ी भी तैयार है। तो बस जा रहे हैं अभी हम अपने लोकेशन पे, स्टोर बन रहा है तो वो भी दिखाते हैं कि स्टोर कैसा बन रहा है। चेज़ वैल्यू सेंटर बहावलपुर की पहली फुटेज देखेंगे आप लोग कि वो इस वक्त किस हालत में है और इंशाल्लाह कब ओपन होगा। तो गर्मी है, सुबह सुबह का टाइम है और उसके बावजूद अभी गर्मी है तो इससे लग रहा है कि दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। बहरहाल काम तो करना है तो चलते हैं। तो हम लोग चेज़ वैली सेंटर की साइट पे पहुंच चुके हैं। चेज़ वैल्यू सेंटर बहावलपुर ब्रांच बहुत बड़ी माशाल्लाह जगह है और ये पूरे का पूरा चेज़ वैल्यू सेंटर होगा, 3 फ्लोर्स हैं और ये बहावलपुर की सबसे बड़ी आउटलेट होगी किसी भी ब्रांड किसी भी स्टोर की इंशाल्लाह।
और इनफैक्ट ये चेज वैल्यू सेंटर की भी फ़िलहाल सबसे बड़ी ब्रांच होगी जब ये ओपन होगी तो, और इसके बाद मुल्तान स्टोर आ रहा है इंशाल्लाह, वो स्टोर इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो वो भी आपको दिखाएंगे जब वक्त आएगा। और इसकी ओपनिंग हो रही है इंशाल्लाह 1 नवंबर को, सॉफ्ट ओपनिंग होगी उससे तकरीबन 3-4 दिन पहले, वो हम बाद में अनाउंस कर देंगे जब भी फाइनल डिसाइड हो जाएगा। तो ये लोकेशन है जी और ये हमारी टीम। तो जनाब आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमारे लिए और अपने लिए दुआएं करते रहें और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।